फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रीना। आज हम पुरानी कुर्ती का इस्तेमाल करेंगे। ये अम्ब्रेला कट कुर्ती है, ये देखिए, ये इस तरह से है ये कुर्ती। इसका यूज करके हम टॉप बनाएंगे गुड़िया के लिए। इस तरह से ये देखिए कुर्ती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से इसे अलग कर लेंगे। ये जो हमारी चोली है और नीचे का घेर है, इन दोनों को हम उधेड़ कर अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से इसे अलग कर लिया है। ये इस तरह से, ये देखिए, यहां से मैंने कटिंग करके अलग कर लिया है। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे। ये लाइनिंग वाला फ्रॉक था, नीचे इसके लाइनिंग लगी हुई है। ये इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगी इसके नीचे, और इसे अब हम यहां से इस तरह से सही से पकड़ते हुए इसे डबल कर लेंगे हम, ये इस तरह से। ये देखिए, इसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। अब हम निशान लगाएंगे। यहां से हम तीरा लेंगे। तीरा मैं लूंगी 6 इंच। 6 इंच पर निशान लगा लेंगे, और यहां से भी मैं 6 इंच ले लूंगी। आर्म होल 6 इंच पर निशान लगा लेंगे यहां से, इस तरह से। अब हम यहां से गोलाई दे देंगे इस तरह से, और लूज हम ये पूरा ही रखेंगे। यहां से हम निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अम्ब्रेला है, तो ये लूज हमारा इसी तरह से टॉप अच्छा लगेगा इस तरह से। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गला मैं यहां से ले रही हूं, यहां से 3 इंच, 2.5 लूंगी मैं। आधा इंच हमारा सिलाई में यहां से देंगे, पट्टी लगाएंगे तो 3 इंच हो जाएगा। यहां से मैं ले लूंगी, यहां से भी 3 इंच ले लूंगी। यहां से मैंने 2.5 लिया है, यहां से मैं 3 इंच लूंगी। और यहां से भी हम यहां 2.5 पर निशान लगा लेंगे, और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, और गले की गोलाई देते हुए कटिंग करेंगे इसकी। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहां से भी हम कटिंग करेंगे इसकी, इस तरह से। ये हमारी कटिंग हो गई है, ये देखिए, इस तरह से ये हमारे टॉप की कटिंग हुई है। आप इस पर लेस लगाना चाहें, लेस भी लगा सकते हैं इस पर, गले पर। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम आर्म होल पर लगाने के लिए तिरछी पट्टियां काट लेंगे। ये रेप पट्टी है, ये इस तरह से हमने तिरछी काटनी है। ये मेरा पहले से कटा हुआ था, नहीं तो आप इस तरह से कपड़ा हो उसे इस तरह से फोल्ड करके और यहां से कट कर लीजिए। ये मेरा पहले से ही कट है, ऐसे ही था ये, इसलिए यहां से मैं तिरछी पट्टियां कट करूंगी। अब हम आर्म होल पर ये तिरछी पट्टी जो हमने काटी है ये लगाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा आर्म होल है, यहां से ये देखिए, ये इस तरह से हम यहां से, ये उल्टी साइड हमने रखना है, ये उल्टा है हमारा, और इस पर हमने ये इस तरह से, ये उल्टा ही हमने ये पट्टी रखनी है, और इसे इस तरह से रखते हुए सीधा सिंगल इस तरह से रखेंगे, और पूरी आर्म होल पर इसे लगा लेंगे। हमने दोनों तरफ आर्म होल पर इस पट्टी को लगा लेना है। ये देखिए, मैंने इस तरफ भी और ये दूसरी तरफ भी इसी तरह से ये पट्टी लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, यहां थोड़े थोड़े कट के निशान देंगे ताकि ये हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए। यहाँ हम थोड़े थोड़े कट के निशान लगा लेंगे। ये मैंने कट के निशान लगा लिए हैं। अब हम इस तरह से ऊपर की तरफ ये एक बार और फिर एक बार और फोल्ड करते हुए इस तरह से हम पूरे आर्म होल पर पाइपिंग निकालेंगे।
ये देखिए इस तरह से पाइपिंग हमने निकालनी है। हम दोनों आर्महोल पर इसी तरह से निकाल लेंगे पाइपिंग। ये देखिए ये दोनों तरफ मैंने इस तरह से पाइपिंग निकाल ली है। ये देखिए इस तरह से अब हम इसके तीरे जोड़ लेंगे। यहाँ से आप पहले भी तीरा जोड़ सकते थे, बाद में आप ये लगाइए, लेकिन मेरा यहाँ से ये बंद है। यहाँ से ये देखिए यहाँ से स्टिचिंग मुझे नहीं करनी है, इसलिए मैंने पहले ये लगाई है, बाद में मैं तीरे जोड़ रही हूँ। आप पहले तीरा जोड़ के फिर भी लगा सकते हैं, या अगर आपने साइड में सिलाई देनी है, घेर कम रखना है तो। मैं पूरा रख रही हूँ इसलिए मैंने ये बाद में जोड़ूंगी। अब हम दोनों तीरे जोड़ लेंगे यहाँ से। ये देखिए मैंने दोनों तीरे जोड़ लिए हैं। अब हम इसी तरह से ये तिरछी पट्टी लेंगे और गले पर जैसे हमने यहाँ लगाई है आर्महोल पर, इसी तरह से उल्टी तरफ लगाते हुए सीधी तरफ फोल्ड करके गले पर भी इसी तरह से पाइपिंग निकाल लेंगे। ये देखिए ये पट्टी मैंने गले पर लगा ली है यहाँ से, ये पूरी इस तरह से। अब यहाँ से जो ये है हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ से हम दोनों को स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम अपनी ये पट्टी को जो सिलाई है यहाँ ये कंप्लीट करेंगे। उसी तरह से यहाँ कट लगाते हुए पूरे गले पर पाइपिंग निकालकर हम उल्टा फोल्ड करके यहाँ पाइपिंग निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने ये गले पर भी पाइपिंग निकाल ली है इस तरह से, और ये हमारा इस तरह से टॉप बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए इस तरह से। अगर आप इसका घेर कम रखना चाहते हैं तो आप जब आपने ये तीरा और ये आर्महोल की कटिंग करेंगे तो थोड़ी थोड़ी यहाँ से भी आप कटिंग कर लीजिएगा, यहाँ से साइड में से जितना आपने रखना हो। लेकिन मैंने ये पूरा रखा है, पूरा अच्छा लगता है इसका घेर, इसलिए ये इस तरह से हमारा टॉप बना है। मैं ये आपको दिखाती हूँ, डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से हमारा टॉप डलने के बाद लगेगा। ये देखिए ये इस तरह से है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आपकी पुरानी जो वेस्टेज कुर्ती है वो भी काम आ गई और सुंदर सा टॉप भी तैयार हो गया। ये देखिए इस तरह से कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक